नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो बच्चों, सुपर टेट की भर्ती आने वाली है। हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है, 27,713 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि 2 महीने के अंदर आप विज्ञापन दीजिए और इस भर्ती को संपन्न कराइए किसी भी हालत में। मामला आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि मामला है 68,500। ये जो भर्ती आई थी जिसमें से आपके 27,713 पद उस समय जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था 40 और 45% वाला, उसे बच्चों ने क्वालिफाई नहीं कर पाया था, जिसके कारण उतनी सीटें 27,713 पद आपके खाली रह गए थे। तो अभी से मुद्दा बच्चों का सबसे ज्यादा यही है, का पूछ रहे हैं हर जगह कि क्या कौन से बारे भर सकते हैं, बीएड क्या इसमें एलिजिबल है क्या, क्योंकि ये पुरानी भर्ती का बचा हुआ पार्ट है। ज्यादातर बच्चे तो यही सोच रहे हैं कि ये 2018 से जो बचा हुआ पार्ट है तो क्या बीएड वाले भी भर सकते हैं। ये एक कंफ्यूजन है बच्चों में बहुत बड़ा, डीएलएड वाले कौन भर सकते हैं। और रही बात कि ये 27,713 पद है 2018 वाला 68,500 का, तो एज रिलैक्सेशन लोगों को कितना मिलेगा, ये कुछ सवाल है। तो आपके जो सवाल है, और कुछ सवाल इसका है कि जो इसका भारांक होता था या शिक्षा मित्रों को कितना रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा, क्योंकि उस समय बात कही गई थी, तो इस समय क्या सरकार करेगी, क्या आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, वो क्या इस पर कार्य करेंगी। तो इन सभी पर चीजों पर, क्योंकि पुराना चीजें अलग थी, क्या चेंजेस होते हैं, नए क्या चेंजेस निकल के आते हैं, वो हमें देखना है। हो सकता है एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस हो, ठीक है, कुछ भारांक वाले पोर्शन में आपके चेंजेस हो, जैसे सुनने को हमें मिल रहा था। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म, बाकी चीजों पे मैं वीडियो अलग अलग से बनाऊंगा, एक ही वीडियो में बाकी लंबी वीडियो हो जाती है, आप लोग भी नहीं देखते हो। तो आप सभी को जो भी मतलब चाहिए, जो भी डाउट है आपके मन में, एक क्वेश्चन, कोई भी डाउट है आपके मन में क्वेश्चन में, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे हर एक डाउट को क्रिस्टल क्लियर वीडियो के माध्यम से समझाने की। तो सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के मन में आ रहा है कि सुपर टेट जो ये आ रहा है 2024 का, इसमें कौन भर सकता है फॉर्म, क्योंकि अभी तक यूपी टेट तो हुआ नहीं है यहां पर, और यहां पर हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। तो क्या बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी और डीएलएड वाले? तो रही बात बच्चों, अगर मैं बीएड वालों की बात करें तो इनके साथ तो जाहिर सी बात है नाइंसाफी हुई ही है। और रही बात ये जो वैकेंसी है वो 68,500 की बची हुई भर्ती आ रही है, तो 68,500 में जब ये भर्ती आई थी तो उस समय बीएड को अलाउ नहीं किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। उसमें सिर्फ बीटीसी और डीएलएड वाले ही अलाउ थे। तो ये तो कहीं ना कहीं अगर पुराने में एलिजिबल किया गया होता तो समझ में आता था कि इसमें कुछ होता, क्योंकि 69,000 वाली जो भर्ती आई थी उसमें सिर्फ बीएड आपका एलिजिबल था, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां तो आपका बीएड होगा ही नहीं, जो कंफ्यूजन में है कि पुरानी भर्ती है तो बीएड एलिजिबल होगा, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी है। उनके लिए भी सरकार को कई कदम उठाने चाहिए, जूनियर की वैकेंसी लानी चाहिए, टीजीटी पीजीटी जल्दी फाइनल करना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। इतने पैसे देकर खर्च करके बीएड किए हैं और बैठे हैं, तो उनके लिए क्या मेन है मुद्दा, बीएड वालों के लिए क्या, इन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये वैकेंसी बीटीसी और डीएलएड जो किया है, डिप्लोमा किया है टीचिंग में, वही भर सकता है। एक एलिजिबिलिटी की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बीटीसी और डीएलएड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज की अगर बात किया जाए तो सुपर टेट में अभी तक जो एज क्राइटेरिया है वो जनरल की 40, फीमेल की भी 40-40 होती थी, 5 साल का ओबीसी और एससी एसटी का रिलैक्सेशन 45-45 आप मान के चलिए, ये आपको एज रिलैक्सेशन मिलता था। लेकिन बात है उन 27,713 पदों की, जब उस समय के कैंडिडेट में हाईकोर्ट ने बोला है उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो उस समय की अगर बात किया जाए तो 2018 से अगर आप समय देखो तो आज का समय चल रहा है 2024, 8, 6, 14, 6 साल हो गया। तो जो 2018 के कैंडिडेट हैं, बाकी को तो यही मिलेगा, लेकिन जो बंदे 2018 के हैं, 2018 के जो कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट को मिनिमम के 6 साल का तो रिलैक्सेशन देना ही चाहिए सरकार को, अगर वहां पर बोला गया है तो।
क्योंकि 18 से अगर 6 साल हो गया तो 6 साल तो रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं जो अब ओवर एज हो गए होंगे। तो इस केस में तो ये होता है कि जो एज रिलैक्सेशन की बात की गई है वो उन बंदों को मिलेगा जो पुराने हैं, जो इसमें आवेदन किए थे 2018 वाले में, 68,500 वाले में जो आवेदन किए थे। नए वाले में तो जो रूल होता है नोटिफिकेशन का उसके अकॉर्डिंग ही एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। बाकी सरकार पे डिपेंड करता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग पे डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन में वो क्या चेंजेस देकर भेजती हैं। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन भाई बोला क्या यूपीटेट आएगा? सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये है क्या यूपीटेट आएगा। देखिए इस पर भी अब आयोग का ही निर्णय अंतिम होगा। अब कोर्ट ने बोल दिया इसको जल्दी से जल्दी कराने के लिए, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसे जल्दीबाजी में यूपीटेट ना दे, पुराने यूपीटेट पर कराए। तो ये जाहिर सी बात है, यूपीटेट ना दे तो जाहिर सी बात है सीटेट हर जगह एलिजिबल होता है, सीटेट एलिजिबल, इससे पहले भी सीटेट एलिजिबल रहा है कई जगह वैकेंसियों में, यहां पर भी रहा है, तो सीटेट तो हमेशा होता रहा है, तो नए बच्चे सीटेट के बेसिस पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन में कुछ चेंज किया गया, जैसे मान लो झारखंड में होता है कभी सीटेट नहीं अलाउ करता है, कई कई ऐसे स्टेट में ऐसे होते हैं कि वहीं का आपका स्टेट अलाउ करता है, सीटेट नहीं अलाउ करता है, तो एक दिक्कत हो जाएगी नए बच्चों के लिए, क्योंकि यूपीटेट काफी सालों से नहीं हुआ है, तो जिसके कारण यह हो सकता है कि नए बच्चे ना फिल कर पाए, तो वो गवर्नमेंट पे है। या हो सकता है कि और डिले करने के लिए, अभी तो कोर्ट ने 2 महीना बोला है लेकिन लंबा समय जाएगा, 2 महीने में तो नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ऑलमोस्ट ये पक्का है हो जाएगा, जल्दी ही इसकी काम शुरू होंगे क्योंकि चेयर आपके अध्यक्ष महोदय नियुक्त हो चुके हैं। अब ये बात यहां पर आ गई कि सीटेट तो अलाउ करना चाहिए, ये जाहिर सी बात है 90% उम्मीद है, अगर यूपीटेट नहीं हुआ है तो सीटेट वाले सीटेट आप लोग दिए होंगे वो आप अलाउ हो जाओगे, ये ध्यान रखिएगा, चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है कि यूपीटेट भी आने की कुछ संभावना बने, ठीक है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं लेकिन आने की संभावना हो सकता है बन जाए। एज रिलैक्सेशन की बात मैंने बोला कि 2018 वाले बच्चों को मिलेगा, किसको मिलेगा, 2018 वाले बच्चों को ये एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो 6 साल तक मिनिमम तो मिलना ही चाहिए, ये उन्हीं को मिलेगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा, बाकी में लास्ट में आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग ही डिसाइड कर सकती है। अदर स्टेट वाले क्या फॉर्म भर सकते हैं, एक क्वेश्चन ये है कि अदर स्टेट वाले अलाउ हैं, तो बात करें अगर हम 68,500 की, तो 68,500 में उस समय जो आपका नोटिफिकेशन आया था तो अदर स्टेट आपके इसमें अलाउ था, ठीक है, अदर स्टेट अलाउ था, लेकिन इसके एक साल बाद जब 69,000 वाली भर्ती आई तो 69,000 वाले में इन्होंने कहा कि वही बच्चे भर सकते हैं जो 5 साल तक यूपी में रहे हों। तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बोल सकते हो डोमिसाइल लगा दिया, लेकिन आने वाले समय में अब इस 27,713 में क्या होगा, तो यह साफ बात है कि डोमिसाइल का रूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार में भी आप देखिए पहले डोमिसाइल लगाया गया फिर बाद में कोर्ट के द्वारा हटाया गया। ठीक है, तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हो सकता है कि यहां पर डोमिसाइल का मामला ना हो, सभी लोग एलिजिबल हो। ठीक है, तो यह भी है क्योंकि पहले अलाउ था तो अभी भी अलाउ होगा, ये गारंटी है। अब बाकी चेंजेस आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या रूल्स में चेंजेस करता है उसके बाद देखते हैं। बीएड का क्या होगा, मैंने पहले भी बोला, तो बीएड के लिए भी अब जैसे यहां पर बच्चों ने केस लड़ा, धरने दिए, हर चीज किए, हमें यहां बीएड वालों के लिए भी कुछ करना चाहिए कि भाई जूनियर की भर्ती लाओ, टीजीटी की भर्ती लाओ, ठीक है, टीजीटी पीजीटी कराओ, टीजीटी पीजीटी में भी 25,000 है, उनके लिए भी तो मौका आना चाहिए, तो इन्हें बच्चों की भी तो सुनवाई होनी चाहिए, इनके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जितने भी बीएड बच्चे वाले हैं, और एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जैसे जाके वहां पर भी बात किया जाएगा कि हाँ इस भर्ती को जो टीजीटी पीजीटी है आपके पास 25,000 इसे निकाला जाए, जल्द से जल्द निकाला जाए, इसका भी आश्वासन मिले हैं। अब शिक्षा मित्र का भारांक, शिक्षा मित्रों के लिए क्या, जो शिक्षा मित्र 68,500 में उनको अलग से वेटेज दिया गया था भारांक का, जब यहां पे मार्क्स पाए और जब भारांक जुड़ता है तो क्या भारांक वाला सिस्टम इसमें भी चलेगा, जो मेरिट आपकी बनेगी क्या हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और टीचिंग
रिलेटेड आपका जो डिप्लोमा है इन सभी के वेटेज को जोड़कर बनेगा, क्योंकि बात में हुई थी बात कि बात जोड़ा तो जाएगा, एकेडमिक के कुछ जोड़े जाएंगे, साथ ही साथ आपके यूपीटेट और सीटेट के भी जोड़े जाएंगे। बीच में एक आई थी खबर कि ऐसा होगा भारांक में कि यूपीटेट और सीटेट के भी कुछ परसेंटेज जोड़े जाएंगे, लेकिन बाद में यह पूरा आयोग ही चेंज बन गया, चेंज हुआ। तो अब नया क्या चेंजेस आता है, भारांक कितना जोड़ा जाता है, कैसे नहीं, पहले जो भारांक आपका जुड़ता था वो मैंने बता दिया। देखिए एस्टेट के 60% लिए जाते थे, फिर 10% आपके हाई स्कूल के, 10% आपके 12th के, 10% ग्रेजुएशन, 10% टीचिंग का, इन सभी को जोड़कर 100% में आपका बनाया जाता था। तो इस ऐसे में अब यह भी सुनने को आता है कि यूपीटेट या सीटेट का भी भारांक इसमें अब जोड़ा जाएगा, या हो सकता है कि कुछ एकेडमिक का न जोड़े टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और यूपीटेट सीटेट का जोड़ा जाए, 10th 12th ग्रेजुएशन न जोड़ा जाए। तो ये सब चेंजेस होने हैं, हो सकता हुबहू ऐसे नहीं आ सकता है, बाकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न इन सब में भी कुछ ना चेंजेस होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होगा। तो वो मैं अभी पुराने जो सिलेबस हैं पैटर्न है उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बाकी जो नए सिलेबस चेंजेस आएंगे उनको भी हमें देखना होगा कि क्या चेंजेस होते हैं। तो शिक्षा मित्रों के बारे में क्या होगा, क्योंकि 68,500 में बोला गया था कि हम अलग से इनको मार्क्स देंगे जब ये पूरा वेटेज भारांक हम जोड़ लेंगे, तो उनमें उनको भारांक मतलब मार्क्स देकर, गेस मार्क देकर उनको मतलब नियुक्ति दी जाएगी। तो अब इनके बारे में क्या सोची है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ही निकालेगी, जब नोटिफिकेशन निकालेगी तो इनका क्या होगा। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं कि 68,500 में जो रूल्स रेगुलेशन थे, चांसेस वही हैं कि वही रूल्स रेगुलेशन रहेंगे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, मतलब ढांचा वही रहेगा, कुछ नए चीजें उसमें शामिल होंगी, तो ढांचा एक तरह से पूरी तरह बदलेगा नहीं। तो जिनका जो जो चीजें थी वो चीजें रहेंगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है शिक्षा मित्र वालों के लिए भी, गवर्नमेंट कोई ना कोई रास्ता निकालेगी ही निकालेगी। और रही बात वेटेज में, तो यहां पर जो वेटेज भारांक वाला पोर्शन है इसमें हमें उम्मीद लग रहा है कि 10th 12th ग्रेजुएशन की जगह हो सकता है यूपीटेट या सीटेट के मार्क्स को कवर किया जाए। एक जगह एक बार ये नोटिफिकेशन एक आया था आपका ऐसे, लेकिन बाद में वो कंफर्मेशन नहीं था। तो ये जो आपके सवाल थे बेसिकली वो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी आपको और जो भी आपके सवाल हैं सुपर टेट 2024 से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे है ना डीएलएड वाले हैं, जो भी आपके डीएलएड और बीटीसी वाले हैं, यही आपके इस 27,713 पदों के लिए एलिजिबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जो 2018 के पुराने बच्चे हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब इस फॉर्म को आपके न्यू कैंडिडेट के साथ साथ, देखो न्यू कैंडिडेट कैंडिडेट भी फिल कर सकते हैं, प्लस ओल्ड कैंडिडेट भी आपके भर देंगे, कैंडिडेट भी इसको भरेंगे। तो न्यू और ओल्ड दोनों के लिए, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ पुराने वाले बच्चों के लिए है, 2018 वालों के लिए, नए कैंडिडेट के भी यहां पर नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म फिलिंग कराया जाएगा, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है जो आदेश है उससे। बाकी आप कमेंट करिएगा, हम आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और मैं डिटेल में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को बता दूंगा, बीएड वालों के लिए क्या हो सकता है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें।